तो योगी जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आपको साम दाम दंड भेद अपना करके आपको उसको सजा देनी है और आपको 9 साल नहीं खींचना है। कसाब वाला सीन नहीं करना है। कसाब ने टेररिस्ट अटैक किया भारत के अंदर, उनसे हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है। यही तो वजह थी ना कि जेल में रख करके आपने उनको इतने दिन तक जिंदा रखा, क्या मतलब था? और क्या आपने जान लिया? ऐसा एक्शन लेते हैं तो उन्हें तानाशाह बोल दिया जाता है कि लोकतंत्र नहीं है यूपी में। मतलब क्रिमिनल्स के साथ में लोकतंत्र की क्या जरूरत है? क्रिमिनल्स के साथ में, अच्छा कोई भी एक बंदा बताए कि जितने भी लोगों द्वारा जितने भी लोगों के साथ में योगी जी ने बुलडोजर वाला जो रोल है निभाया है, बुलडोजर चलाया है उनके घरों में, क्या उनमें से कोई भी बंदा बेगुनाह था? और जब बेगुनाह नहीं था, हाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि जी फिर क्या कोर्ट बंद कर दिया जाए, फिर क्या वकीलों को घर भेज दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने भी तो इस चीज़ पर रोक नहीं लगाई, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि जो योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर के कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, वैसे तो सबको पता है खैर कि धर्म होता है या नहीं होता, ये बताने वाली बात नहीं है। आप देखते हैं कि भारत में बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे भी रहे हैं जिनके मरने के बाद में, एनकाउंटर के बाद में या जनाजे में आपने देखा होगा लाखों की भीड़ होती है। कश्मीर में दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बायकॉट, जब तक आप अपराधियों का बायकॉट नहीं करेंगे, मेरा मानना पहला स्टेप घर वालों को उठाना चाहिए, घर वाले बायकॉट करें, फिर समाज बायकॉट करें, फिर जो रिलीजन, अच्छा रिलीजन जुड़ता है इसके पीछे, रिलीजन वाले भी बायकॉट करें। और जब बायकॉट सिस्टम स्टार्ट होगा, हमने फिल्मों का बायकॉट देखा है, हमने पॉलिटिशियंस का बायकॉट देखा है, हमने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के थ्रू एंकर्स को, टीवी चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को बायकॉट करते हुए देखा है, तो हम अपराधियों का बायकॉट क्यों नहीं करें? हम क्यों सेलेक्ट करके उनके साथ खड़े हो जाए या उनके विरोध में खड़े हों? अपराधी अपराधी होता है। नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। बंगाल केस के ऊपर ममता बनर्जी के स्ट्रिक्ट एक्शंस का इंतज़ार वहाँ की जनता अभी भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर वहाँ जो स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। उसी के ऊपर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि यदि भारत में कोई असली तानाशाह है तो वो ममता बनर्जी है। इस बात से जनता कितना समर्थन करती है, आज हम उसी बात पर बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश है। अच्छा, कैसे देखते हैं ममता बनर्जी, क्या सच में एक तानाशाह है? देखिए, तानाशाह का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है ऐसे कि आप जब कोई आपके राज्य में हुई घटना को लेकर के जब प्रोटेस्ट कर रहा है और आप प्रोटेस्ट के अगेंस्ट उन सारी कार्रवाई को डीपली ना जाकर के कि क्या चूक हुई जो इस तरीके की जो है केस में खिंचाव चला जा रहा है, जहाँ पर CBI को भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको जो है असल सही तरीके से जाँच करने में, तो वहाँ पर आप उन पे लाठियाँ अगर आप बांध रहे हैं तो बहुत गलत है ये। और कहीं ना कहीं इसमें आपको हार माननी चाहिए थी, आपको पहले ही जनता को संबोधन करते हुए इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आपके पास में है और आप चीफ मिनिस्टर हैं। और मैं सिर्फ बात ममता जी की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ सभी देश के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, देश के अंदर या राज्य के अंदर जो भी इंसिडेंट होते हैं उनके हर एक इंसिडेंट के पीछे इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जिम्मेदारी जब लेंगे तभी जाकर के ये चीज़ें कम होनी शुरू होंगी। क्योंकि हम एक तरह से देखते हैं योगी जी का मॉडल, योगी जी का मॉडल मैं तो देखो बहुत ज़्यादा उनको, उनके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है उनका काम। देश में अगर कानून व्यवस्था को अगर लागू करना है सही तरीके से तो मुझे लगता है कि जो योगी जी का मॉडल है वही अपनाना चाहिए। क्योंकि जब ये बात होती है, जब हमने एक निर्भया कांड को देखा ही था जहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था और उसको शॉर्ट आउट करने में लगभग 9 साल का टाइम लग गया था, तो जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो जो देश के अंदर अपराधी विचारधारा के लोग होते हैं उनके अंदर डर नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हमें समय मिल जाएगा अपने आप को जो है दोबारा से रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर अपने आप अपनी बात रखने के लिए मौका मिल जाएगा। और हम अगर हम पैसे वाले हैं तो बड़े से बड़े कपिल सिब्बल जैसे जो है हम लोग वकील हायर कर लेंगे। समर्थन करते हैं कि क्या एक बलात्कारी को कानूनी तौर पे एक इतना बड़ा एडवोकेट मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं वही बात तो कर रहा हूँ, मतलब ही नहीं बनता कि आप इस लेवल का एडवोकेट हायर कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे मिल जाते हैं, और ये खुद के जो वकील हैं, अगर मेरा एक प्रश्न है, ये जो इंसिडेंट किसी भी मतलब गरीब या किसी भी एक ऐसे डॉक्टर पेशे से हैं या कोई भी भारत देश की जो महिला है या लड़की है, जब बलात्कार होता है आप उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, क्या आपके घर परिवार या रिश्तेदार में इस तरह का इंसिडेंट होता है तो क्या आप इस पक्ष में खड़े होते? शायद नहीं। और हर कोई इसीलिए अपने अपने बारी का इंतजार करता है, तो मेरा तो मानना है कि देश के सभी लोगों से मेरा निवेदन भी है कि खड़े होइए जब भी कोई छोटा से छोटा इंसिडेंट होता है महिलाओं के प्रति या बहन बेटियों के प्रति, तो आप खड़े होइए और समाज को सुधारने का काम करिए, और साथ साथ बड़े से बड़े और सख्त सख्त कानून होना चाहिए, खासकर योगी मॉडल जैसा कि जिसमें घर को तोड़ना बहुत जायज मैं समझता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होंगी तभी हमारा देश और समाज में थोड़ा सा डर आएगा कानून के प्रति। और घर परिवार इसलिए तोड़ना जरूरी है क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि घर वालों का भी उतना ही बड़ा दोष है, अगर आपके बच्चे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा दिए गए संस्कार पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए और पेनल्टी आपको भी भरना चाहिए।
अच्छा इस केस को, डॉक्टर ममिता के केस को निर्भया केस से जोड़ा जा रहा है। निर्भया केस की बात करें तो उसमें जो बलात्कारी थे उनके समर्थन में दिल्ली के बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह खड़े होते हैं, और आज डॉक्टर ममिता के केस में बलात्कारियों के समर्थन में कांग्रेस के नेता कह लीजिए या फिर इतने बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे एडवोकेट्स को आप क्या कहना? मेरा, मैंने आपको पहले बताया, पहले तो ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के केसेस को इनको हैंड ओवर नहीं करना चाहिए, इनको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह के इंसिडेंट अगर इनके घर परिवार या रिश्तेदार में किसी के साथ में हो तो शायद वो नहीं करेंगे। तो सेम ट्रीट वो करना चाहिए उनको जो बाकी देश के अंदर लड़कियां हैं, उनको भी रिस्पेक्ट सबके लिए समान है, चाहे वो आपके घर परिवार के लोग हो, चाहे आपके मोहल्ले के लोग हो, चाहे देश के हर लड़कियां जो हैं वो सेम हैं। और इस तरह का जो दुष्कर्म किया जाता है तो उसके खिलाफ कानून, जब वकील खुद से हाथ खड़े करने शुरू होंगे तो बदलाव आएगा, क्योंकि जब जो अपराधी हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें तो वकील मिल ही जाएगा, हमें आ रहा केस लड़ने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा हो जाएगा। हाँ, जरूरी भी है कुछ केसेस को लेकर के जब एलिगेशंस लगते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में फेक एलिगेशंस नहीं लगते हैं, फेक एलिगेशन भी लगते हैं हमारे देश में, कई ऐसे भी केस आए हैं जहाँ पर रेप या छेड़छाड़ के एलिगेशंस लगते हैं, वहाँ पर जो है वकीलों को खड़ा होना जरूरी है, बिकॉज किसी भी निर्दोष को किसी भी प्रकार से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ये भी जरूरी है। और शायद हो सकता है कि इसी वजह से ये लोग केस लेते हों और जो भी जाँच की प्रक्रिया है उसके आधार पर जब अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक बलात्कारी का समर्थन करना कहाँ तक। अभी तो वैसे जब अगर हम बंगाल का इंसिडेंट देखते हैं तो अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है कि किसी ने, जिसने भी मतलब बलात्कार किया है, और इतना जो देरी हुआ है मैं मानता हूँ सिस्टम का भी बहुत बड़ा फेलियर रहा है, और सिस्टम का क्योंकि ये फेलियर इसलिए रहा है क्योंकि ये जो केस है इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो बड़े लेवल के लोग हैं, इसीलिए छेड़छाड़ हुआ है केस के साथ में। और अगर कोई कॉमन मैन होता या कोई नॉर्मल भी फैमिली होती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, अभी तक इसको जो है सज़ा मिल चुकी होती है। जी अच्छा, जो कॉलेज का डीन था उनका रातों रात तबादला हो जाता है, टीएमसी के लोगों की बात करें टीएमसी के गुंडे डॉक्टर्स पे जाके हमला करते हैं, ये हालांकि ये साबित नहीं हुआ है कि टीएमसी के ही लोग थे या नॉर्मल। ये तो ये भी वही बात है, एलिगेशन वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात फिर यही है कि वहाँ पे भी सिस्टम का ये फेलियर रहा है ना, कैसे कोई लोग जो है कुछ लोगों का झुंड जो है जाता है और तोड़फोड़ करता है और कहीं ना कहीं डराने का प्रयास करता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं आए सामने। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ है तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के जितने भी चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो उस हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हो या फिर वहाँ के जो आसपास के लोग हो, जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं तो वहाँ पर सबको खुल के सपोर्ट करना चाहिए था, कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, कोऑपरेट करना चाहिए था, ताकि जो केस है वो सही से सॉल्व हो पाए और जो भी इसके दोषी हैं उनको सज़ा मिले, और जो ऐसी सज़ा मिले कि ताकि ये मैसेज जाए पूरे देश के अंदर कि अगर आपने बलात्कार किया है तो सज़ा बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया के आधार पर मिलनी चाहिए आपको। अच्छा, इस केस के जो आरोपी है संजय राव, उनकी माँ कुछ दिन पहले कह रही थी कि मेरे बेटे ने 4 शादी करी थी, वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है, मेरा बेटा कर सकता है, लेकिन बाद में वो पलट जाती है, 2 दिन बाद कहती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, तो क्या हो सकता है उनकी माँ पे दबाव बनाया गया हो अपना बयान पलटने के लिए? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, पहला केस जब उन्होंने पहला अगर बयान दिया है जिस तरह से आपने बात बताई, अगर वो कहते हैं कि हाँ वो इस तरह के विचार रखते हैं, इस तरह के उनके स्वभाव हैं, तो पहला तो अब दोनों ही उनके बयानों पे जो है मुझे लगता है जांच की ज़रूरत है, मेरा किसी प्रकार से इस पर राय रखना या बात रखना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है, ये सारी जो है कानूनी प्रक्रिया के थ्रू चीज़ें सामने नहीं चाहिए। मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा है कि मेरा जो सिस्टम है जो देश के CBI में हुआ होता तो क्या, अरे फिर तो आप सोचिए कि क्या हैरानी होती है कि ये हमारे जो देश के जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता है वो छाती पीट रहे होते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे इंसिडेंट हमारे देश में ऐसे से हुए जिसमें जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं वो सेलेक्टिव रहे। मैं बात करता हूँ अभी रिसेंटली में उदयपुर में एक छोटे से बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो कि दलित समाज से आता है, लेकिन वहाँ पर चंद्रशेखर रावण जी नहीं पहुँचते हैं, राहुल गांधी जी नहीं पहुँचते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता नहीं पहुँचता है। वहीं पर एक इंसिडेंट वहीं पर यूपी में भी होता है जहाँ पर राहुल गांधी जी मौजूद होते हैं। अयोध्या की मैं बात करूँगा इसके अंदर, अयोध्या में एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर दलित बच्ची का बलात्कार होता है, बलात्कारी कौन है आप सभी को पता है, एक उन्नाव के केस के बारे में बात की जाएगा, उन्नाव या कन्नौज की बात है जहाँ पर, जी कन्नौज की बात है जहाँ पर रेप होता है, आपको पता है कि हाँ बलात्कारी कौन है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, वो सारी चीज़ें। देखिए यही बात है कि यूपी में जो है सेलेक्टिव विषय पर उठाया जाता है, अगर दलित के साथ में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है और कर्ता धर्ता बीजेपी का बनता है या कोई अन्य कास्ट का बनता है तो इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। मेरा मानना है कि यहाँ पर जिम्मेदारी जो है हमारे नेताओं को भी समझना चाहिए कि जब शोषण होता है किसी का साथ तो भी उसकी जात नहीं देखनी चाहिए, और शोषण करने वाले की भी कभी जात और धर्म नहीं देखनी चाहिए। आप अगर कानून बनाते हैं और बोलते हैं कि कानून जो है वो इक्वल है, कानून सबके लिए एक लागू होता है, तो आप जात और धर्म क्यों देखते हैं? जात धर्म देखने का कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि अपराधी जो है वो अपराधी अक्सर आपने एक बार सुना होगा, देश का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ बलात्कारी का भी धर्म देखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा ये कि आतंकवाद को लेकर के कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, वैसे तो सबको पता है खैर कि धर्म होता है या नहीं होता, ये बताने वाली बात नहीं है। कोई कितना भी जस्टिफिकेशन इस पर रखे वो वैलिड नहीं है। सेम अगर बात अगर वहाँ अप्लीकेबल होती तो वही बात यहाँ पे भी अप्लीकेबल होती कि अपराधियों का भी कोई जात धर्म नहीं है। कई बार जब बड़े बड़े नेता हमारे देश के ऐसा कह देते हैं कि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत मैसेज आता है जो है समाज के अंदर, जनता के अंदर, और ऐसी चीज़ों की वजह से और भी लड़कियों को जो है झेलना पड़ता है प्रताड़ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि किसी भी लड़की के साथ में अगर हम गलत भावना से देखते हैं तो ये बहुत गलत विषय है और ये नहीं होना चाहिए। और इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, कानून भी जिम्मेदार है, कानून भी जिम्मेदारी से अपना रोल निभाए, और साथ साथ हमारे जो देश के नेता हैं जो सेलेक्टिव रहते हैं, अक्सर सेलेक्टिव रहते हैं। मैं मानता हूँ कि दलित के साथ में उत्पीड़न कहीं भी हो रही है, जितने भी दलितों के मसीहा हैं उनको हर जगह मौजूद होना चाहिए। दिल्ली में आपको याद होगा साक्षी जिसका मर्डर होता है, जो भी ये दलितों के नेता हैं चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हों उदित राज जी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे और भी बहुत सारे नेता हैं मायावती जी हों, बहुत सारे दलितों के नेता हैं इस देश के अंदर। लेकिन देखते हैं कि आप सेलेक्टिव विषय पर अक्सर ऐसी जगहों पर बीजेपी खड़ी रहती है। लेकिन और बीजेपी का ये विचार रहा है, मैं घर बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है बीजेपी के द्वारा जो मैं मानता हूँ अप्रिशिएट करने वाली बात है, वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी इन चीज़ों को देखती है। अगर बीजेपी भी इन चीज़ों को देखती है कि हाँ करता धरता कौन है, क्राइम करने वाला कौन है, अगर वो भी इन विषयों पर सोच करके कि हाँ कहीं किसी ने मुस्लिम ने किया है और हिंदू के प्रति हुआ और मैं स्टैंड लूँ तो गलत है। मेरा मानना वहाँ पर भी आप अपराधी वाला ही ट्रीट करो। उन्नाव का केस के बारे में, सॉरी हाथरस केस के बारे में बात होती है, अपराधी की तरह ट्रीट करती है बीजेपी, तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुस्लिम है इसलिए कार्रवाई। क्यों विकास दुबे, खासकर यूपी में हमें यही विकास दुबे की बात होती है। विकास दुबे तो मुस्लिम नहीं थे, उनके साथ क्या हुआ और वो अच्छे से सबको पता है। तो इस तरीके की हाँ अब कोई श्लोक ये देखो, हर किसी को खुश नहीं रह सकते, हर किसी को संतुष्ट नहीं रह सकते। आप कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि विकास दुबे सिर्फ एक उदाहरण हो, एक नाम डाल दिया, लेकिन अगर आप मेजर केस देखते हैं तो मेजर केस मुस्लिम के साथ में हुआ है। तो भाई अपराध मत करो ना, जब आप दबंग बनते हो, जब आप अपराधी बनते हो, जब आप गैंगस्टर बनते हो, तो आप इस आपके माहौल के लोग, मोहल्ले के लोग आपको प्राउडली देखते हैं। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा मैं, जो जाफराबाद में दिल्ली में जो दंगे होते हैं वहाँ पे एक लड़के ने पिस्टल लगाई थी कांस्टेबल के ऊपर, आपने देखा होगा शायद, और नहीं देखा तो जितने भी लोग हमारे दिल्ली NCR के लोग हैं उनको पता है कि एक शाहरुख नाम के लड़के ने एक कांस्टेबल की पिस्टल लगा दी। जब वो जेल गया और जेल से जब वापस आया तो वहाँ के एरिया में वहाँ के लोगों ने उसको एक हीरो की तरह पे वेलकम किया था। ये गलत है, आप कैसे एक ऐसे विषय पे आप ऐसे बंदे को आप हीरो बना सकते हो? ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता उनकी क्या मानसिकता है, उन लोगों का भी जिन्होंने उनका वेलकम किया। और ऐसे वेलकम की वजह से ही कोई बंदा जो भटक गया था शायद किसी तरीके से, उसने वो गलत स्टेप उठाया, अगर समाज ने उसका बायकॉट किया होता तो एक अगेन एक मैसेज आता कि अपराधियों के साथ में समाज नहीं खड़ा होता है। और जब आप खड़े होंगे साथ में तो समाज को ये लगेगा, और खासकर अपराधियों को लगेगा कि लोग तो हमारे साथ खड़े हैं, हमें हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। तो इससे क्या होगा, लेवल जो है ना अपराध का जो लेवल है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोग खड़े हैं उनके साथ में। आप देखते हैं कि भारत में बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे भी रहे हैं जिनके मरने के बाद में, एनकाउंटर के बाद में या जनाजे में आपने देखा होगा लाखों की भीड़ होती है। कश्मीर में दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बायकॉट, जब तक आप अपराधियों का बायकॉट नहीं करेंगे, मेरा मानना पहला स्टेप घर वालों को उठाना चाहिए, घर वाले बायकॉट करें, फिर समाज बायकॉट करें, फिर जो रिलीजन अक्सर रिलीजन जुड़ता है इसके पीछे, रिलीजन वाले भी बायकॉट करें। और जब बायकॉट सिस्टम स्टार्ट होगा, हमने फिल्मों का बायकॉट देखा है, हमने पॉलिटिशियंस का बायकॉट देखा है, हमने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के थ्रू एंकर्स को, टीवी चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को बायकॉट करते हुए देखा है, तो हम अपराधियों का बायकॉट क्यों नहीं करें? हम क्यों सेलेक्ट करके उनके साथ खड़े हो जाए या उनके विरोध में खड़े हो? अपराधी अपराधी होता है। अच्छा, अपराधी की आप बात कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले ही अभी आसाम की बात करें तो वहाँ पे भी एक बलात्कारी जो शायद पुलिस के साथ कहीं जा रहा था, पर दुर्भाग्यवश उनकी डूबने के कारण मौत हो जाती है। योगी मॉडल है ये, बिल्कुल जी। कर्नाटक का इंसिडेंट भी आपने देखा होगा, कर्नाटक में जब रेप होता है उसके अंदर एनकाउंटर होता है, आपको याद होगा शायद कि वो भी योगी जी के CM बनने के बाद ही हुआ है। तो योगी जी ने एक एग्जांपल सेट किया है कि आपको साम दाम दंड भेद अपना करके आपको उसको सजा देनी है और आपको 9 साल नहीं खींचना है, कसाब वाला सीन नहीं करना है। कसाब ने टेररिस्ट अटैक किया भारत के अंदर, उनसे हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है। यही तो वजह थी ना कि जेल में रख करके आपने उनको इतने दिन तक जिंदा रखा, क्या मतलब था? और क्या आपने जान लिया? हमारे देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, रॉ है, हमारी जो है IB है, हमारे CBI है, या और भी हमारे मिलिट्री है, इनको मैं बहुत अच्छे लेवल पर सक्षम मानता हूँ। ये बहुत अच्छे लेवल पर सक्षम है और देश में आए दिन कुछ ना कुछ अगर अलर्ट होता है और हम लोग सुरक्षित हैं तो वो इन्हीं की वजह से हैं। तो ऐसे
अपराधी को, ऐसे आतंकवादी को इतने दिन जिंदा रखने का क्या मतलब था? आपने जब पकड़ा था उसको, उसी के हफ्ते भर के अंदर आपने उसको अगर सजा दे दी होती तो शायद देश के अंदर कोई सजा, कोई भी बंदा इस तरह के क्राइम करने से पहले 100 बार सोचता। अगर योगी जी कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं तो उन्हें तानाशाह बोल दिया जाता है कि लोकतंत्र नहीं है यूपी में। मतलब क्रिमिनल्स के साथ में लोकतंत्र की क्या जरूरत है? क्रिमिनल्स के साथ में, अच्छा कोई भी एक बंदा बताए कि जितने भी लोगों द्वारा, जितने भी लोगों के साथ में योगी जी ने बुलडोजर वाला जो रोल है निभाया है, बुलडोजर चलाया है उनके घरों में, क्या उनमें से कोई भी बंदा बेगुनाह था? और जब बेगुनाह नहीं था, हाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि जी फिर क्या कोर्ट बंद कर दिया जाए, फिर क्या वकीलों को घर भेज दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने भी तो इस चीज़ पर रोक नहीं लगाई, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि जो योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आज तक उन्होंने किसी भी बेगुनाह के साथ में नहीं किया है, जो भी करा है वो गुनाहगार के साथ में किया है। और इससे अगर वहाँ पे कानून व्यवस्था सुधरती है, वहाँ पे क्राइम रेट कम होता है, तो वेलकम होना चाहिए। आज आप यूपी में जाएंगे और आप लड़कियों से पूछेंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं अब, तो सेफ बोलती हैं अपने आप को, इससे बढ़िया बदलाव क्या चाहिए आपको उधर? आप आज के टाइम पे वहाँ के जो बहुत बड़े बड़े अगर हम बात करते हैं गैंगस्टर्स की बात करते हैं या बाहुबली की बात करते हैं, तो खुद से या तो सरेंडर कर रहे हैं थानों में जाकर के, या उन्होंने अपने काम को बदल दिया है। ठीक है, तो अभी भी खैर बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनको अपने रास्ते बदलना है, ताकि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन के सामने आए। नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश में आज भी जो क्रिमिनल्स हैं उनका कहीं ना कहीं समर्थन वहाँ का जो विपक्ष है वो करता है? देखिए कुछ हद तक विपक्ष नहीं, कुछ ऐसे भी बीजेपी की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वहाँ के लोकल लोग बाहुबली ही समझते हैं, और वो बाहुबल के दम पे ही चुनाव जीतते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये गलत है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, मेरा ये मानना है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इन लोगों की पार्टी भी यही चलाते हैं। मोटी मोटी फंडिंग चाहिए भाई, और फंडिंग क्यों चाहिए? क्योंकि आपको चुनाव के दौरान पे खर्च करना होता है। अब आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसा देगा कौन? बिजनेसमैन जो हमारे देश के हैं, जिनको रिस्पेक्टेड वे में ट्रीट करना चाहिए, ये वहाँ पर ट्रीट करते नहीं है। वहाँ उनको जो है अलग अलग, हमारे देश के अंबानी जी हैं, ठीक है, अंबानी जी हमारे देश के जो है वर्ल्ड, मतलब मेरा मानना है भारत के अंदर तो एक नंबर पे है ही, अमीर के अंदर। सोचिए कि वो व्यक्ति ने कितना बड़े लेवल पे हमारे देश की जीडीपी को कंट्रोल में रखा होगा, हमारे देश के लोगों को कितने बड़े लेवल पर रोजगार दे रखा होगा। तो उस व्यक्ति को हर बार आपने देखा होगा विपक्ष द्वारा घेरा जाता है, जो कि दुखद बात है। आप बाहुबलियों को घेरिए, और आप जितने भी देश के अंदर बिजनेसमैन है, छोटे से छोटे बिजनेसमैन है, आप उनको सपोर्ट करिए, वो देंगे आपको पैसा टैक्स के रूप में। जब आपको टैक्स के रूप में पैसा आएगा तो आप भारत के जो है विकास में उसको यूज़ कर सकते हैं।